हेलो, फोन किसने उठाया था अभी? किसने उठाया था? वही तो पूछे तुमसे, फोन उठाया किसने था अभी? अभी तो मैंने उठाया। नहीं, इससे पहले जो मैंने कॉल किया उस पे किसने उठाया था फोन? उस पे किसने? अरे रीता ने उठाया होगा। रीता कौन है? रीता मेरी फ्रेंड, मैंने बताया नहीं तुम्हें उसके बारे में। कब बताया तुमने मुझे? आज तक तुमने किसी रीता के बारे में नहीं बताया, और उसने तुम्हारा फोन क्यों उठाया? उसने मेरा फोन इसलिए उठाया बिकॉज फोन बज रहा होगा तो उसने उठा लिया होगा। उसमें क्या है? तुम कहाँ पे हो अभी? अपने रूम पे है, तो फिर वो कैसे है तुम्हारे रूम पे? पैरों से। क्या पागल हो? वो आई क्यों तुम्हारे रूम पे? इतना पूछ रही हो, इतना ही जवाब दो बस। ऐसे ही मिलने आई? ऐसी मिलने कौन आता है किससे? ऐसी मिलने मैं तुमसे मिलने नहीं आती हूँ ऐसे ही तो। अबे रिलेटिव क्यों आते हैं तुम्हारे घर पे? मिलने के लिए, क्यों आते हैं मिलने के लिए? मिलने के वो रिलेटिव तो जब आते हैं जब उन्हें कुछ खाने का ज्यादा मन होता है, या फिर कभी मेरा पैर टूट जाता है, कभी मेरे हाथ में चोट लगी जाती है, तब तुम देखने के बहाने आते हो, खा के चले जाते बेबी हैं। वो तुम्हारे रिलेटिव है, हमारे रिलेटिव और दुनिया के रिलेटिव थोड़े अलग होते हैं। वो ऐसे ही आते हैं घूमने, ना ही खाने। जब किसी का पैर टूट जाता है तो उसको देखने ऐसे नहीं आते हैं। एक वैसे ही बात वो आई बताओ, है। एक घर से दूसरे घर कौन घूमने जाता है? मेरी माँ, मैं मुझे ही नहीं कर सकता। इधर नहीं हमारे पहले घर तो कर बताओ कि ले। वो तुम्हारे घर आई क्यों थी तुम्हारे रूम पे? कोई बात तुम मुझसे मिलने, छुपा रहे हो ना कुछ? अबे मिलने आई थी मेरे नहीं रूम पे। ऐसे ही कोई अरे किसी से मिलने नहीं आता है। हम बेड पे बैठे हुए थे तो तुम्हें बेड बहुत। पे? हाँ तो बेड पे बेड है बैठे तो हुए बेड पे थे? बैठेंगे, जमीन पे तो बैठेंगे नहीं। इतने गरीब तो है नहीं। नहीं तो यार वो आई क्यों थी पहले ये बता दो। मिलने बेड पे बोला भी तुम तो बैठे हुए थे? वही नहीं, दोनों हम दोनों बेड पे बैठे हुए थे। फिर मैं, बोल रही हूँ कि दोनों क्यों बैठे हुए थे? अरे फिर मैं वॉशरूम गया तो उसके बीच हो सकता है तुम्हारा वॉशरूम? कॉल आया हो तो मतलब रिसीव किया वॉशरूम उसने। क्यों गए थे? कैसा घटिया सवाल है, नहीं वॉशरूम गए क्यों थे तुम? इंसान वॉशरूम क्यों जाता है? नहीं तुम क्यों गए थे? तुम तो नहीं जाते हो ना, बहुत कम कम जाते हो तुम। क्या पागल हो गया? कुछ भी सेंस लगाती हो, पागल वागल हो गया। तुम फोन काटे तुम यार, बस इतना बता तुम दो फोन कि रीता काटो। आई क्यों थी, बस इतना बता नहीं दो तुम रीता आई फोन क्यों काटो, थी। मुझे बात ही नहीं करनी। क्या मतलब क्या है कि वॉशरूम क्यों गए थे? क्या अरे पागल वागल हो गए तुम? अरे यार फ्लो फ्लो में निकल जाता है, पहले ये बताओ कि नहीं तुम तो फ्लो फ्लो रीता क्या आई क्यों फालतू की थी? बात है। तो सॉरी ना, पहले ये बताओ रीता क्यों आई थी? रीता मिलने आई थी मुझसे, कितनी बार बोलूं? यार आज तक कोई रीता नाम की लड़की तुमसे मिलने नहीं आई, आज पहली बार रीता नाम की लड़की प्रकट हो गई, क्यों? ठीक है तो उसका नाम चेंज कर दूं? ठीक है उसका नाम मीता अब है। तुम उस लड़की का नाम नामकरण भी करोगे अब? मेरी माँ क्यों इतना आर्ग्यूमेंट कर रही हो? हुआ क्या है? क्यों आई थी बस इतना बता दो। अबे मिलने आई थी, थोड़ा मतलब उसको रिलेशन के बारे में डिस्कस रिलेशन? करना था। किस हाँ कौन सा रिलेशन? अरे यार, रिलेशनशिप के रिलेशन बारे में उसको थोड़ा डिस्कस करना था मुझसे। किसका? रिलेशनशिप और किससे डिस्कस करना था, किसके बारे में जल्दी बताओ। जब मेरे से बात कर रही है तो ऑब्वियसली मेरा रिलेशन डिस्कस तो करना नहीं होगा, उसको खुद हाँ का रिलेशन डिस्कस करना था तो मुझसे। यार उसका खुद का रिलेशन चाहता, वो अपने बॉयफ्रेंड से आके डिस्कस करती ना, तो तुमसे वही तो कर डिस्कस रही थी, तो अपने बॉयफ्रेंड से करती ना, तुमसे क्यों कर रही है? तो वही तो कर रही थी नवाब जादी। तो मेरे पास क्यों आई थी, तुम्हारे पास क्यों आई थी? बॉयफ्रेंड कौन है उसका कौन है उसका बॉयफ्रेंड? जिसके पास वो आई थी? तुम्हारे पास आई थी, हाँ तो फिर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? मैंने ये कब बोला? तुम तो तुमने ही तो बोला कि अपने बॉयफ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, आई तुम्हारे पास थी, बैठी तुम्हारे पास थी, और डिस्कस भी तुमसे ही कर रही थी। क्या सुनना चाहती हो? मैं ये सुनना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, आखिर सच सच बता दो, आज छुपाना मत कुछ हम भी, दोनों के बीच में वो चल रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकती। अब जल्दी बता सोच दो। लो, जो तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे चीट कर रहे हो ना तुम? मैंने कहा ना, जो तुम सोच ही नहीं सकती। तो अब सोच यार लो, मैंने सोच ही लिया ना, अब जो सोच रहा था मेरे तुम मन में, सोच जो बातें सकती आनी थी वो नहीं, आ गई तुम ना, सोच ही नहीं सकती। बता दो ना क्या बात देखो है। सही बता रहा हूं, कसम से, तुम्हारी कसम, उसके और मेरे बीच वही चल रहा है जो तुम बिल्कुल अभी नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी बता दो ना प्लीज, नहीं। क्या तुम बात है, सोच प्लीज सकती नहीं हो। वो बता दो ना यार। तुम क्या सोच रही हो अभी? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बस बस मैंने कहा ना, तुम सोच ही नहीं सकती। फिर? हाँ तो गर्लफ्रेंड ही हो मेरी, तुमने सोच लिया है तो सही होगा। गर्लफ्रेंड मतलब? यार तुम मुझे चीट कर रहे हो, अरे यार तुम्हें पता चल गई, मैंने छुपाने इतनी कोशिश की यार कि तुम्हें पता ना चले, लेकिन तुम्हें पता चल गई। ये क्या हुआ तुम ना मेरा मजाक मत उड़ाओ, सच सच बता दो पहले क्या बात है। यार? मैं तो बहुत कोशिश की थी रीता, तुझसे बोलता था मैं रीता कि अभी भी छुपाना तुम्हारे है। पास ही बैठी है? हाँ बस जा ही रही है, कपड़े पहन रही है। कपड़े पहन, कपड़े क्यों पहन रही है यार? कपड़े तो पहन के आई होगी ना, अरे मतलब चेंज कर रही है क्योंकि उसके कपड़ों में कॉफी गिर गई थी गलती से, उसके तो कपड़े यहाँ पे वॉशरूम कैसे में आए? वो लेके आती है यार ऑब्वियसली। कपड़े क्यों लेके आती है एक्स्ट्रा? कोई मेहमान अगर किसी रिश्तेदार के आ जाता है या फिर हमारे घर पे आता है तो एक्स्ट्रा कपड़े तो नहीं लेके वो आता? पूरा बैग पैक करके आई थी कपड़े लेके। क्यों? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो ही है। नहीं पहले तुम मुझे क्लियर करो कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पहले तुम क्लियर करो सब कुछ कि क्या बात है क्या नहीं है। देखो उसका और मेरा रिश्ता ऐसा है जो तुम कभी सोच नहीं सकती। वो यहाँ पे सूटकेस पूरे कपड़े पैक करके आई थी, वो भी तुम सोच नहीं सकती। और वो रिलेशन की डिस्कस करने आई थी, वो भी तुम सोच नहीं सकती। हम एक ही बेड पे बैठे थे, वो भी तुम सोच नहीं सकती। इसलिए सारी बातें तुम्हारी सोच से बाहर है। तो नहीं तुम सोच में लाओ मेरी बातों को,
सोच में लाओ अब तुम तुम मेरी समझ बातों नहीं को। पाओगी ना, नहीं मैं समझूंगी, मैं सब समझूंगी, पहले मैं तुम मुझे अभी जो समझाओ। तुम समझ रही हो तुम वही समझ लो। क्या क्या समझूं, समझ रही हो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा बस है? बस मुझे पता था तुम भाई, तुम्हारी थिंकिंग यहां से ही जाएगी, इससे ऊपर तो बढ़ ही नहीं पाएगी। तो यार एक लड़की अपने उसके बॉयफ्रेंड के रूम पे आएगी तो यार थिंकिंग यहीं तक तो जाएगी, इससे आगे कहाँ तक जाएगी? हाँ अच्छा प्लीज बता दो ना क्या बात है, नहीं नहीं प्लीज नहीं जो तुम सोच रही हो वही है यार। प्लीज बता दो ना। आई लव यू यार रीटा। बस रीता को लव यू क्यों कह रहे हो यार? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज रीटा बता। टेंशन मत ले, बस प्यार करता हूँ मैं उससे। नहीं मुझसे बात मत करो, मुझे तो तुमसे बात तुम्हारी नहीं करनी। थिंकिंग नहीं जहाँ पे जा रही है मैं उसको तो सही बोल रहा हूँ, अब तुम्हें गलत ठहराऊंगा नहीं तो ही पहले तुम्हें तुम बुरा मुझे लगेगा। बताओ कि क्या बात है। जो तुम्हें गलत ठहराऊंगा तो ही तुम्हें बुरा नहीं तुम मुझे लगेगा। गलत ठहरा दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, नहीं मुझे 1% भी बुरा नहीं लगेगा, तुम मुझे गलत ठहरा दो बस। तुम्हें अच्छा ही लगेगा ना, मैं तुम्हें नहीं गलत मुझे अच्छा ठहराऊंगा। लगेगा, मुझे बुरा कुछ भी नहीं लगेगा, मुझे सब कुछ सही लगेगा, पहले तुम मेरे जो गलत ठहराओ बस नहीं नहीं तुम। मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहता यार, नहीं तुम सही बनी ठहराओ तुम, रहो, तुम सही ठहराओ, बनी रहो। नहीं ठहराओ तुम गलत। रीटा आई थी मेरे बॉयफ्रेंड वो, तुम्हारे बॉय, अरे मेरी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अरे ये क्या मेरी पागल हो क्या? मेरी बात सुन लो, कम बोला करो सोच समझ के। तुम ही तो बोल रहे रीता हो। आई थी मेरे रूम पे, तो एक्चुअल में हुआ क्या, मतलब वो पूरा बैग वैग पैक करके आई है। एक्चुअल में वो प्यार करती है, तुम यार जा तो चुप रहो, जब बात अच्छा सुनो, ठीक है बोलो। तो भाग के मतलब शादी करना चाह रही है। किससे प्यार करती है, किससे शादी करना चाहती है, क्यों क्यों आई है तुम्हारे पास, सब बताओ ना प्लीज। तुम थोड़ा सोचना बंद करोगी, मेरी बात तो यार सुनोगी तो मैं कुछ बोलूंगा। तो तुम बताओगे तभी तो मैं सोचना बंद करूंगी, टुकड़ों में टुक तो टुक अपने करके नहीं, बातें तुम बता रहे अपने हो। दिमाग को थोड़ा शांत रखोगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। हाँ मैंने अपने दिमाग को शांत कर लिया, पहले तुम ये बताओ बस। फालतू की चीजें तो दिमाग में तुम्हारे चल रही है, इनको सोचना बंद करोगी तब तो मैं कुछ कहूंगा। बंद कर दिया, पक्का बंद कर दिया कि पक्का अभी बंद भी कर चल दिया। रही है? नहीं बंद कर दिया। वो मेरे रूम पे आई थी, एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड भी मेरे रूम पे आया हुआ है जो अच्छा है, अच्छा अच्छा और दोनों आए थे। पहले रीटा आई दोनों थी, है ना मतलब? हाँ पहले रीटा आई थी, तो मतलब रीटा को कुछ बात बात करनी थी क्योंकि वो भाग रही है, भाग के शादी कर रही है अपने बॉयफ्रेंड, तो पूछ रही थी फैसला सही है या गलत। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया, इतने में उसके बॉयफ्रेंड फोन करके फिर वहां पे बुलाया। अब दोनों को मैंने डिस्कस कराया कि भाग के शादी मत करो, फैमिली को समझानी, थोड़ी कोशिश करो। तो बोल रहे हैं फैमिली नहीं मान रही, एक्चुअली लड़की वाली की फैमिली मान गई है, मतलब जो मेरा दोस्त है उसकी फैमिली मान गई है, बट जो रीटा है उसकी फैमिली नहीं मान रही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फैमिली को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो। एक्चुअली में रीता की फैमिली में से भी उसकी मम्मी मान गई, पापा नहीं माने, तो मैं नहीं मान जाएंगे यार, जब मम्मी मान गई तो पापा तो मान ही जाएंगे, तुम्हें तो पता है बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सही बात है। ठीक है, अब मैंने कही मम्मी मान गई तो पापा तो धीरे धीरे मान ही जाएंगे, भागने की ट्राई व्राई मत करो। तो अभी उनको वही समझा रहा था, तो फिर उनके लिए मैंने दोनों को मिलने के लिए प्राइवेसी दूँ, थोड़ी बात बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उनके लिए कॉफी बनाने चला गया, तो वो कॉफी पी रही, उसके वहां पे कॉफी फैल गई थोड़ी, तो वो चेंज कर रही थी, और मैं वॉशरूम गया था, ठीक है, इसलिए मेरे पीछे मोबाइल पड़ा था, उसने रिसीव कर लिया, जिस पे तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। तो वो और यार देख के मुझे बोल रही है एक काम करो उमंग, तुम पहले अपने रिलेशनशिप को संभाल लो फिर हमें टिप्स देना। करवा दी बेइज्जती, तो यार मुझे थोड़ी आगे ना, मन को खुशी मिल गई, नहीं तो तुम मुझे बताते तो मैं नहीं बोलती रही ये सब, तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे दिल को कैसे तसल्ली तो मतलब। मिल गई होगी बेइज्जती करा के मेरी। ठीक है सॉरी ना, नहीं सॉरी अब क्या, यार गलती हो गई तो हो गई, मेरे दिमाग पता नहीं कितनी उल्टू फुलतू बातें आ गई क्योंकि थी। तुम्हारा दिमाग उल्टू फुलतू चलता रहता है, दिमाग को ना थोड़ा सही चलाओ। और जो सावधान इंडिया होते हैं, जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हो ना, इनको थोड़ा बंद करो देखना। नहीं और ये तो जो थोड़े तुम्हारे अच्छे होते नहीं, हैं, जो आजकल के तुम्हारे सीरियल वीरियल चल रहे हैं ना, कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दोस्त दोस्त इन सब में ये सब हो रहा है, ये देखना बंद करो, ये तुम्हारे यार दिमाग को मुझे खराब कर सब देंगे। बातें तुम्हारी समझ में आई, बस एक बात हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट करने की भी क्या कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं पा रहा डाइजेस्ट, बताओ बताओ, कि वो जब तुम उसे समझा रहे हो कि भागो मत ये वो, फिर भी वो बैग लेके आ गई है। ये मेरी माँ वो पूरी भागने की प्लानिंग में ही आई थी, तो फिर अच्छा एक बार उसने सोच मुझसे मतलब डिस्कस किया, तो मैंने उसको बोला इसलिए बैग अच्छा लेके से आई सो थी। जाई, गरीब से सलाह ले लूँ, थोड़ी मुझे गरीब से सलाह ले तुम लूँ, गरीब ही तो हो यार। ये तो घूसा मारूंगा ना, नाक टेढ़ी हो हम जाएगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम अलग रहती हो मैं अलग रहती हूँ, तो मतलब लोग आपका मुझसे एडवाइस प्यार लेने आते हैं और तुम हो मतलब कि मेरी आपका जिंदगी बर्बाद प्यार कर बैठी हो दूर है आपसे, तो आप गरीब ही तो हुए, अगर प्यार प्यास में होता है तो अमीर होता है इंसान, समझे? यार। मेरा दोस्त पता है क्या कहता है, क्या कहता जब भी है? हमारे रिलेशन को देखता है ना, वो एक ही बात कहता है, मेरे को यह खुशी है कि मैं सिंगल हूं। नहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैं मिंगल हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके जैसा बॉयफ्रेंड मिला है, और ख्वाहिश है मेरी, तमन्ना है मेरी कि मुझे सातों जन्म, लोग पति मांगती हैं औरतें, मैं मांगूंगी कि सातों जन्म मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिले, पति किसने सोचा है? वे शायरी थी, लाइन थी, क्या था ये, जो भी था आप समझे मुझे ना कुछ भी बस। समझ में नहीं आया नहीं था। देखो सातों जन्म एक लड़की मांगती है कि सातों जन्म उसे यही पति वो मिले, सातों अच्छा जन्म, पति मिले, अब रीटा और उसके बॉयफ्रेंड को मैं थोड़ा समझा लूँ, फिर वो चले हैं, फिर मैं तुम्हें कॉल कितना करूँ। समझाओगे यार? बस मतलब मान गए, हम कोई रूम पे आया हुआ है तो ऐसे भगा दूँ। तो उनको प्राइवेसी तो ना, तुम हाँ कहीं तो कबाब में प्राइवेसी अड्डे दे रहा हूँ करने मैं हो। फ़ोन कट करके, अब
उनके लिए में दूसरी एडिक्ट कॉपी क्यों बन बनाने रहे जा हो? रहा हूँ भाई। कबाब में एडिक्ट क्यों बन रहे हो? ये तुम चुप मुझसे रहो बात कर तुम, लो ना। ये तुम चुप रहो भाई। ठीक है भाई, रख दो फोन।